हेलो दोस्तों, नेशनल एक्टिविटीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसा है सब, आशा करता है आप लोग अच्छे। फिर जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास एक CRT टीवी रखा है। दोस्तों इसमें समस्या क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन जो है दोस्तों, यहाँ जो है बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब पिक्चर हमारी जो है बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा जो है यहाँ पर लाइनिंग आ रहा है, मतलब चिड़चिड़ापन सी यहाँ पर जो है आ रही है पूरे स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पे जो है आ रहे दोस्तों। इस टीवी में दोस्तों यही समस्या है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये समस्या आया है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से आता है और किस जगह से ये सब फॉल्ट आ सकता है और कहाँ पे है ये फॉल्ट दोस्तों, तो सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको जो है जानकारी दूंगा, क्योंकि ये फॉल्ट जो है काफ़ी जगह से आ सकती है और हर स्टेप में आपको जो है बताऊँगा कहाँ कहाँ से दोस्तों ये फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने मिले। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है टीवी को जो है पीछे तरफ हमने जो है पलट लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए सप्लाई देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फॉल्ट बताऊँगा, उसके बाद दोस्तों इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सप्लाई दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने जो है सप्लाई दे दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिर भी दोस्तों वहाँ पर जो है उसी तरह जो है ये दिख रहा है, लाइनिंग आ ही रही है। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात बता दूँ दोस्तों, इसमें ऐसा फॉल्ट जो है कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ दोस्तों, इसका प्रॉब्लम जो है कई तरह की हो सकती है और कई जगह से जो है आ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सप्लाई दोस्तों यहाँ से हमारा जो है इन होती है दोस्तों, यहीं से दोस्तों यहाँ पर जाती है और फ्यूज के माध्यम दोस्तों यहाँ पर आती है इस बैरियर कॉइल पर, और बैरियर कॉइल दोस्तों यहाँ जो हमारा जो है सप्लाई जो है आउट करती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कैपेसिटर पर भी आती है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या दोस्तों, यहाँ पर मेन कैपेसिटर हमारे दोस्तों वीक हो जाए या ख़राब हो जाए दोस्तों, तो उस वजह से दोस्तों मेन कैपेसिटर के वजह से भी इस तरह की समस्या आपको जो है देखने को आ सकती है, जब हमारी जो है मेन कैपेसिटर खराब हो जाती है तो उस वजह से आ सकती है। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉइल है दोस्तों, अगर ये कॉइल हमारे दोस्तों ये खराब हो जाती है तो उस वजह से भी, मतलब यानी ये शॉर्ट तो नहीं बताएगा, मतलब इसे जब चेक करेंगे दोस्तों तो ये आपको जो है बिल्कुल सही बताएगा, बट यहाँ पर दोस्तों सही होते हुए में भी दोस्तों ये खराब हो जाता है, तो उस क्रम में भी दोस्तों वहाँ पर हमारा पिक्चर में जो है लाइनिंग आ जाती है, ब्लिंकिंग करने लगता है दोस्तों। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। और तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 वोल्ट पे यहाँ पे कैपेसिटर दिया जाता है दोस्तों, 160 वोल्ट का, तो वो हमारे जो है कैपेसिटर वीक हो जाती है दोस्तों, तो उस वजह से भी इस तरह की समस्या आपको जो है देखने को मिल सकती है, देखने को आ जाती है। चौथा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो IC दिया गया दोस्तों, जब वीडियो IC के यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी हमारा जो है ये ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से भी यहाँ पर ऐसा समस्या आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब यहाँ पे हमारा जो है लाइन पास करके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 18-15 ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो है लगाई जाती है, और 18-15 ट्रांजिस्टर दोस्तों जब हमारे जो है वोल्टेज जब कम आउट करे यानी कि शॉर्ट हो जाए दोस्तों, यानी दोनों तरफ हमारा जो है 2 वोल्ट 3 वोल्ट के आसपास रहता है और 20 से हमें जो है 8 वोल्ट जो है आउट करता है, अगर वो हमारे जो है ख़राब हो जाती है तो 5 वोल्ट के समथिंग में जब आउट करेगा दोस्तों वोल्ट, यानी कि जब हमारे जो है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए तो कम मतलब वोल्ट जो है आउट करता है, तो उस क्रम में भी दोस्तों ऐसा समस्या आपको जो है देखने को मिल सकती है। उस क्रम में आपको दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का आपको जो है चेंज कर देनी है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको जो है दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी में से कोई एक ऐसा फॉल्ट आ सकता है जिस वजह से दोस्तों इसमें जो है ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैमरा को सेट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो है सभी जैक को खोल लेनी है, तो यहाँ पे हम जो है सभी जैक को हमने जो है खोल लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है किट को पलटनी है, तो जब हम किट को पलटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको जो है चेक करा के दिखाता हूँ दोस्तों, ये बैरियर कॉइल दोस्तों ये जो है सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है सही भी रहता है दोस्तों, उस क्रम में भी ऐसा जो है आपको फुल जो है देखने को मिल जाती है, देखने को आ जाती है। देखिए मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जो है मीटर को कंटिन्यू मोड पर जो है यहाँ पर हमने जो है रख लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप जो है हमारी जो है बज रही है, तो कॉइल हमारा जो है सही नहीं है। कॉइल दोस्तों अगर ख़राब भी हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा जो है लाइन पास ही नहीं करता और हमारा जो है टीवी जो है ऑन भी नहीं होता, मतलब कॉइल हमारा जो है सही है, जिस वजह से दोस्तों हमारा जो है वहाँ पे जो है पिक्चर भी आ रही है। तो दोस्तों ये कॉइल सही होने के बावजूद भी इस तरह की समस्या जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, तो ये कैपेसिटर जो है दोस्तों आप चेक कर लें कि ऐसा फॉल्ट आता है तो आप यहाँ पर जो है कैपेसिटर बदल के देख लें, कैपेसिटर जो है वीक तो नहीं हुई है और उस वजह से भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है कैपेसिटर जो है वीडियो गैलेक्सी के पास जो रहता है, यहाँ पे कैपेसिटर को चेक कर लें कि यहाँ पे वैल्यू कम बता रहा है या ख़राब तो नहीं, या उसका लेग जो है कहीं से टूटा उटा तो नहीं, और इसका जो कैपेसिटर दोस्तों खुला तो नहीं है, ये चीज़ दोस्तों आपको जो है चेक कर लेनी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक ट्रांजिस्टर जो है लगी होती है, आपको जो है चेक करके दिखाता हूँ। देखिए
तो ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पे मीटर का हमने जो है यहाँ पे डीसी रेंज में 20 वोल्ट पे हमने जो है सेट किया है, और एक ग्राउंड हमें जो है प्रोको कर लेनी है, और दूसरा देखिए यहाँ पे हमने जो है सटाया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट के आसपास जो है मिल रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है तो इधर भी जो है 1.5 वोल्ट जो है हमें जो है मिल रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है बीच में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें जो है 8 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है दोस्तों। ये अगर 5 वोल्ट के आसपास आ जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि हमारा जो है ट्रांजिस्टर हमारा जो है बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो यहाँ पे इस क्रम में आपको जो है ये नया ट्रांजिस्टर 18-15 यहाँ पे जो है लगा देनी है, तो इस सिचुएशन में आप जो है प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। चौथा फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हमने जो है सारा चीज़ चेक कर लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा चीज़ ओके है। हमने जो है दोस्तों आपको जो है सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अगर सिचुएशन आए तो ऐसी चीज़ आप जो है आपको करना है। हम यहाँ पे जो है सारा चीज़ चेक कर लें दोस्तों, यहाँ पे सारा चीज़ ओके है, बस हमें जो बैरियर कॉइल है दोस्तों इसे हमें जो है चेंज करना है। आइए यहाँ पे हम इस कॉइल को हम बाहर निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम नया कॉइल डाल के इसके बाद हम चेक करके देखेंगे दोस्तों इसका प्रॉब्लम दोस्तों ये सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों आपको प्रॉब्लम दोस्तों इस बैरियर कॉइल से ही आता है। सही होने के बावजूद भी ऐसा फॉल्ट आपको जो है आ जाएगा, तो आपको जो है एक बार इस बैरियर कॉइल को भी चेंज करके देख लेना है। तो हमने जो है सिर्फ आपको प्रॉब्लम जो है बता दिया है, यही सब में से कोई एक फॉल्ट आता है दोस्तों ज़्यादातर, और ज़्यादातर दोस्तों यहाँ से आता है, और दूसरा दोस्तों यहाँ से आता है, और तीसरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपेसिटर होती है उस वजह से, और चौथा यहाँ पे जो है ये मेन कैपेसिटर है एसी पे लगा हुआ है दोस्तों, उस वजह से भी इस तरह की समस्या आती है। तो हमें जो है एक किसी दूसरे में से किट में से यहाँ पर हम खोल के लगा के आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये नया नहीं मिलता है, मिलता भी होगा बट यहाँ पर हम जब भी ऐसा फॉल्ट आता है दोस्तों किट में से ही खोल के लगा दिया करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस कॉइल को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइल जो दोस्तों देखने से हमारा जो है बिल्कुल सही, और कंटिन्यूटी भी हमारा जो है ये दे रहा था। चलिए यहाँ पर हम दूसरा जो है यहाँ पे कॉइल हम लगाएंगे किसी दूसरे किट में से खोल के, और दोस्तों वो जो हम लगा रहे हैं वो सेम टू सेम नहीं है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हम जो है लगाएंगे, यहाँ पे जो है इसका लेग बनाया हुआ था तो वो जो है यहाँ पे जो है नहीं एडजस्ट हो रहा था, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है इसका लेग तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पिन है दोस्तों, तो 4 पिन को यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है किस तरह से आपका जो है ये बदर बज रहा है, तो उसी तरफ जो है आपको लगाना है, उल्टा आपको नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे तो इस तरफ से नहीं बज रहा है, तो इस तरफ से ये हमारा जो है बज रहा है, और इधर से जो है हमारा फिर से बदर बजना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें जो है कुछ इस तरह से हमें जो है लगानी, मतलब लाइन को पास करनी है दोस्तों, तो हमें जो है कुछ इस तरह से कॉइल को लगानी है। चलिए यहाँ पर हम कॉइल को लगाते हैं, इसके बाद मैं सोल्व करके इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे जो है कॉइल को अच्छी तरह से लगा लिया और सोल्व भी कर लिया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये प्रॉब्लम दोस्तों ये सॉल्व होता है कि नहीं, कि वही प्रॉब्लम मतलब बता ही रहा है, अगर बता रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है दूसरा जगह से फॉल्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों वीडियो को इन कराते हैं, इसके बाद मैं आपको जो है दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो है यहाँ पर जो है सप्लाई दे दिया है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो जो है हमारी जो है बिल्कुल सही हो चुकी है दोस्तों। पिक्चर जो है कुछ इस तरह का होने का दोस्तों, लाइनिंग होने का, ब्लिंकिंग करने का दोस्तों, ये इसका जो है ये बैरियर कॉइल था, और दोस्तों ये जब हमारा जो है ये ख़राब हो जाती है दोस्तों तो उस वजह से दोस्तों यह प्रॉब्लम आ जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिल्कुल अभी अच्छी तरह से मतलब चल रही है, और ये जो आपको जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमारी जो है कैमरे की वजह से आ रही है, तो पिक्चर यहाँ पर पहले जो है लाइन इस तरह से मतलब कट रहा था, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये सही आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है लाइट को कम भी कर दिए हैं तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, अब देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम दोस्तों जो हमारे बिल्कुल जो है ये सही हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह की समस्या अगर आपके भी CRT TV में आ जाता है, यही सब फ्रेंड्स को आप जो है चेक करना है, और चेक करके आपको जो है उसे बदल कर जरूर देखें, और कोशिश करें दोस्तों कि पहली बार जो है इसे आप जो है बदल के देखें। तो प्रॉब्लम अगर ठीक हो जाती है ठीक है, अगर नहीं होती है दोस्तों तो आगे आपको जो है चेक करनी है वैसा सामान को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट आने वाली वीडियोज होगी आप लोग को जल्द देखने। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फॉल्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।